काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में मृदा के भौतिक गुण और वर्षा की तीव्रता और मात्रा के कारण जल अपवाह अधिक होता है। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु के दौरान ही वर्षा काल में होने वाले जल अपवाह के प्रबंधन हेतु प्रयास करना अत्यंत आवश्यक होता है। खेतों का समतलीकरण कर उसकी ढलान की लंबाई को कम कर जल अपवाह की मात्रा और गति को नियंत्रित किया जाता है। समतल किए गए इन खेतों से जल अपवाह की गति कम होने से उसे भूमि में संग्रहित किया जाता है। ऐसे खेतों में अन्य खेतों की तुलना में बीजों का अंकुरण और पौधे की बढ़वार एक समान पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान भूमि की गहरी जुताई करना अत्यंत आवश्यक होता है। गहरी जुताई से मिट्टी में काफी उथल पुथल होती है और भूमि में पाए जाने वाले हानिकारक कीड़े मकोड़ों के साथ साथ खरपतवारों का भी विनाश होता है। मिट्टी पलटने वाले पलटी हल से गहरी जुताई किए गए खेतों को समतल रखा जाता है। गहरी जुताई के उपरांत वर्षा जल को भूमि में रिसने का अधिक मौका मिलता है और जल अपवाह की मात्रा अत्यधिक कम हो जाती है।